हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद ज्योति। गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल और यमी वाला व्लॉग होने वाला है। जी हाँ, यमी वाला व्लॉग होने वाला है। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यमी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई होप लोग को अच्छा लगेगा। मैं भी बनाने जा रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं उसे कैसे बना रही हूँ, कैसे मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा, आई नो दैट, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। गाइस देखिए, मेरे मुंह में पानी भी आ गया। जी हाँ, व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। उसकी मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और सडनली माइंड में आया था कि व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है। तो अभी मैं मार्केट भी गई थी, थोड़ी बहुत मेरी सब्जियाँ लेके आई एंड अभी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो फिर चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है और कैसे मैं बना रही हूँ। ये मैंने सब्जियाँ ली हुई हैं, ग्रीन कैप्सिकम है, मशरूम है और कॉर्नस हैं। एंड इसके बाद मैंने दो से ढाई चम्मच मैंने मैदा लिया हुआ है, एक कप दूध लिया हुआ है, रेड चिली फ्लेक्स ली हुई है, ऑरिगेनो लिया हुआ है एंड ये मिक्स हर्ब्स हैं। मैं आपको देती हूँ, ये मिक्स हर्ब्स हैं। तो ये आप तो पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हैं, पास्ता में भी। या ऑनियन लिए हुए हैं मैंने, वन ऑनियन है यहाँ पे। एंड ये लहसुन ली हुई है मैंने इतनी सी। और ये मेरा पास्ता बॉइल्ड है, बॉइल्ड जैसे आप मैक्रोनी बॉइल्ड करते हो वैसे ही आपको बॉइल्ड करना है। और ये व्हाइट सॉस मतलब ये पास्ता है। सो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ इसे। तो गाइस, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ली है एंड इसके बाद मैंने मक्खन लिया हुआ था। ये मैंने घर पे बनाया हुआ मक्खन है गाइस, तो ये मक्खन है। थोड़ी सी शुगर लेनी है आपको, बिल्कुल एक पिंच के अकॉर्डिंग। और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक लेना है और बाकी सारे मेजरमेंट तो आपने देख ही लिया है। और थोड़ा सा ऑयल लेना, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, घी और कोई भी ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं यहाँ गार्लिक डाल के इसको थोड़ा सा सौटे कर लूँगी, मतलब थोड़ी देर तक इसको ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन को मैं अच्छे से इसे थोड़ा सा मतलब इसको बिल्कुल मैरून नहीं करना है, इसको आपको है ना क्रंची रहने देना है थोड़ी देर तक। तो इसको थोड़ी देर तक कौटे करते रहना है आपको, इसको चलाते हुए इसको भूनना है। और फिर इसके बाद में मैं डाल दूँगी अपनी वेजेस जो भी मैंने ली थी, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और क्या बोलते हैं मशरूम। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, ना हाई फ्लेम रखनी है ना मीडियम फ्लेम लो फ्लेम रखनी है, मीडियम फ्लेम में आपको इसको सॉटे करते रहना है, भूनते रहना है अच्छे से। और जब ये भून जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहने देना है इसमें, ताकि जो क्या बोलते हैं क्रंच वो व्हाइट सॉस पास्ते में जो क्रंची रहती है वो वेजेस की वजह से ही रहती है। तो वेजेस को थोड़ा कच्चा रहने देना है आपको, ताकि टेस्ट और अच्छे से आए। तो आप इसको ऐसे ही चलाते हुए आपको इसको भूनना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं भून रही हूँ, और उसको अच्छे से आप चलाते रहिए, इसको नीचे लगने नहीं देना है आपको। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैं अपना सॉस बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। इधर जब तक सब्जियाँ हो रही हैं तो ये मैंने दूध मैदे में डाल दिया है। मैदा मैंने अपने पास्ता के अकॉर्डिंग लिया था, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई लंग्स ना रहें, क्योंकि लंग्स के कारण ये सॉस अच्छे से बन नहीं पाएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको फेंट लिया है। एंड देन अब इसमें मैं अपनी वेजेस में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। और ये मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे पास्ता मिस्क। तो मैं इसको अच्छे से चला दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। इसमें मैंने काली मिर्च भी ऐड की है, जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं अच्छे से चला के एंड देन इसमें इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और अच्छे से मैं इसमें निकाल दूँगी। और इसी में ही मैं अपना वाइट सॉस बनाऊँगी। तो मैंने फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और इसमें मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच बटर, ये आप देख सकते हैं। और मैं इसे जब पिघल जाएगा तब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने बैटर बनाया था वो। तो आप देख सकते हैं मेरा बटर पिघल रहा है और इसे मैंने अच्छे से पिघला दिया है। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें मैं अपना बैटर,
और इसे मैं चलाते हुए पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे चला के पका रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी और दूध डाल के फिर मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा दूध गिर गया था मुझसे, तो माइंड मत करिएगा। एंड इसके बाद से मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। और अब मैंने इसमें जो बची हुई चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और काली मिर्च और मिक्सअप सारे ऐड कर दूंगी। जब मेरा बैटर बनके ये रेडी हो गया है तो मैं इसमें सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी। सॉल्ट, शुगर, नमक, ये सारी चीज़ें मैं सॉल्ट और शुगर और अब मैं इसमें अपनी वेजीज ऐड कर दूंगी। ये आप देख सकते हो। फिर मैं इसको अच्छे से अपने वेजेस पे कोट कर दूँगी, जो सॉस मेरा है वो। जब ये सॉस बन के रेडी हो जाएगा तो आपको इसको है ना वेजेस मिक्स करना है, ताकि जो टेस्ट है वो सबका आ जाए। इसके एंड में मैं अपना पास्ता ऐड करूँगी, जो कि बॉयल्ड पास्ता था। आपको मैक्रोनी जैसा इसे बॉयल करना है, जैसे आप मैक्रोनी बॉयल करते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से मैंने इसे अच्छे से कोट कर दिया है। और आपको फ्लेम धीमी रखनी है ताकि पास्ता चिपके ना। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और लगभग इसको 2 मिनट पकाना है आपको गैस पे, एंड देन उसके बाद गैस ऑफ कर देना है। सो आप देख सकते हैं गाइस, ये कितने अच्छे से कोट हो चुका है और ये मेरा पास्ता हो गया है। सो चलिए टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना है। सो यहाँ में मैंने निकाल लिया है और चलिए खाते हैं कैसा है। सो गाइस, मेरा वाइट सॉस पास्ता जो है आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है देखने में। आप चाहें तो इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास चीज़ नहीं था तो मैंने चीज़ ऐड नहीं किया। बट आप देख सकते हैं कितना क्रीमी एंड यमी लग रहा है। यस, सो आप लोग मुझे ज़रूर एक बार इसे ट्राई करना और घर पे बनाना, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को ये वाइट सॉस पास्ता कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आप लोगों ने घर पे बनाया। तो प्लीज़ गाइस, अगर बनाना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोग के साथ ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैंने आप लोग को पता है मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, बस सुना था, खाया था, बट जब खाया था तभी पसंद आया था। तो मैंने सोचा था मैं इसे एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। मैक्रोनी तो आप लोगों ने डिश देखी ली, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ कुछ नया शेयर करते, क्योंकि मैं कुछ नया बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बना के खाना और मुझे बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरा घी बन रहा है अभी, देख सकते हैं। मक्खन मैंने होममेड बनाया था, ये मैंने घी अब बनने के लिए रख दिया है मक्खन को, तो ये बन रहा है और तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। सो गाइस, मैं इन्हें टेस्ट करा रही थी कि कैसा बना है, और इन्होंने बोला अच्छा बना है। ये कभी मेरी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, तो गाइस माइंड मत करना। और फिर मैंने टेस्ट किया है तो अच्छा बना है, तो आप मेरा रिएक्शन देख ही सकते हैं। ये तो मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। एक्चुअली खाना वाना बनाने के बाद हम सो गए थे, और जो पास्ता वाली क्लिप आपने देखी वो कल की थी। आज वाली मैंने, आज ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी कल मैंने ज़रूर कुछ खास बनाया था तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वो वाला वीडियो, मतलब वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। और लॉकडाउन में घर पे रहना, कहीं बाहर मत जाना, और अपना ख्याल रखना और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखना। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय।